हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में आप गूगल पे से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। ये मैं एक पावर बैंक देख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक पावर बैंक पे क्लिक किया है। ये 549 रुपये का पावर बैंक है, सियास्का कंपनी का है ये। इसके बाद ये नीचे लिखा आ गया बाय नाउ, ये बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, ये सबसे ऊपर UPI का ऑप्शन आ गया है। पहले मेरे भी ये नहीं आ रहा था फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट को अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद ये आप UPI पे, अगर आपका कहीं और पे क्लिक है तो UPI पे क्लिक करके कंटिन्यू पे कर दीजिए। और फिर ये गूगल पे का और भीम UPI ID ये लिखा आ गया, गूगल पे पे क्लिक करके, ये मैं अभी गूगल पे पे क्लिक करके पे नाउ पे कर दीजिए। और इसके बाद आपको अपने गूगल पे का जो भी आपका लॉक है वो लॉक खोल लीजिए। और ये देखिए, ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया है हमको। ये मेरे दो बैंक पहले ऐड थे, अब नहीं है। ये आप अपना बैंक भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मेरा तो एक ही बैंक है इसमें। और उसके बाद ये प्रोसेस टू पे कर दीजिए। और ये ग्रांट पे क्लिक कर दीजिए और ये फिर अलाउ। और उसके बाद आपको UPI पिन का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना UPI पिन डाल दीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, मैंने UPI पिन नहीं डाला। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब।